मिस्टर हस्बैंड, मुझे भी तुम्हारे गले पड़ने या तुमसे शादी करने का कोई शौक नहीं था। गौर से देख लो मुझे, मैं हिंदुस्तान की अदालत की वो मोहर हूँ जो तुम्हारे माथे पे लगा दी गई है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम मेरे पति। जब तक मेरी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र है, दुनिया तो क्या, भगवान भी तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। जो मोहल्ले भर में झुंड पिटाई कि मेरे पति देव मुझे सिनेमा दिखाने ले जा रहे हैं। असल में मालिक ने रोक लिया तो मालिक के गले में बांधना था ना मंगलसूत्र, मेरे गले में क्यों बांध दिया? पप्पू की माँ बोली, क्या हुआ काजल, कहीं नहीं सिनेमा देखने? और गौरी की चाची बोली, टैक्सी नहीं मिली होगी अब तक। काजल नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी के अभी एक एयर कंडीशन सिनेमा हॉल खरीद के दो। शाम शाम हो गई, अभी तो घूमने चलो ना पापा। चलते 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 थक गई। कंधे पे बिठा लो ना पापा। अंधेरे से डर लगता। सीने से लगा लो ना पापा। मम्मी तो सो गई, आप ही सुला लो ना पापा। स्कूल तो पूरा हो गया, कॉलेज जाने दो ना पापा। पाल पोस्ट कर बड़ा किया, अब जुदा तो मत करो ना पापा। अब डोली में बिठा दिया। आंसू तो मत बहाओ ना पापा। आपकी मुस्कान अच्छी है, मुस्कुराते रहो ना पापा। इस धरती पर बोझ नहीं होती हैं बेटियां। दुनिया को समझाओ ना पापा। दुनिया को समझाओ ना पापा।